जैसे महाकाल आदेश तो भूत भविष्य वर्तमान ये सभी लोगों को जानना है, बड़ा अटपटा विषय है। अटपटा विषय नहीं है, बात यह है कि व्यक्ति को अपने आप को स्थापित करना है। वो कुछ ऐसे रहस्य है या कुछ ऐसे प्रश्न है जिनका उत्तर उसे कभी नहीं मिल पाता है। वो कई लोगों से पूछता है, कई जानकारों से पूछता है, कई सिद्धों से पूछता है, कई महात्माओं से पूछता है, लेकिन उसके उत्तर उसे संतुष्टिपूर्ण कभी नहीं मिल पाते। और जब संतुष्टिपूर्ण नहीं मिल पाते हैं, इसलिए वो निर्णय करता है स्वयं से ही कि मैं खुद जानने का प्रयास करूंगा। और जब वो खुद जानने का प्रयास करता है, यहां से शुरू होता है भटकाव, यानी भटकाव जीवन। तो उसके जीवन में कई लोगों से वो मिलता है, वो अपने जीवन में कई लोगों से मिलता है, कई लोगों से संपर्क करता है, कि भूत और भविष्य और वर्तमान को जानने का प्रयास करता है, कि दर्पण विद्या और भविष्य विद्या और भूतकाल यानी अतीत के बारे में, अतीत के बारे में अगर कोई शक्तियां बताती हैं तो इत्र योनि की शक्तियां बहुत अच्छी तरीके से भूतकाल के विषय में बताती हैं। दर्पण विद्या भी आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन जो भविष्य की गणना है वो दैवीय ऊर्जाओं की कृपा से ही प्राप्त होगी। इसमें जो है अगर आप प्रयास करेंगे, कोई जटिलता नहीं। जब आप किसी से सीखने का प्रयास करेंगे तो एक दिक्कत खड़ी होती है कि वो किस प्रकार सिखा रहा है, वो आपकी क्षमता क्या है, आपकी मूल देवी कौन सी है और आपकी चेतना क्या है, आपके तत्व क्या है। अगर आपके सौम्य तत्व है और अगर आपको कर्ण पिशाचनी है यक्षिणी की साधना कराई जाए तो आप असफल हो जाए। अगर आपके तीक्ष्ण तत्व है और ज्यादा तीक्ष्ण तत्व है और अगर आप हनुमान जी की साधना करते हैं तब भी उसमें दिक्कत की संभावना है। तो हनुमान जी की साधना से भी आप इन चीजों को प्राप्त कर सकते हो बड़ी सहज भाव से, और ये धीरे धीरे घटित होती है। अब मैं एक आपको बात बता दूं कि 2003 से मैंने लगातार हनुमान जी के मंदिर में जाके आ रहा, और 2007 तक, 2007 के बाद भी मैं करता रहा, लेकिन इसके बाद मैंने वासा जी को यही कहा कि अब समय हो गया है आप हनुमान जी के मंदिर में जाके आराधना करें। तो उन्होंने भी आराधना की। वैसे तो सिद्धि के बारे में जो मैंने बजरंग बाण साधना जो दी है, कई लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, क्या देखना है बजरंग बाण साधना, लेकिन उसमें सूत्र दिए गए थे और जानकारी दी गई थी कि कैसे आप उन चीजों को प्राप्त कर सकते हो जो आपके ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको आज तक नहीं मिला है। तो उन प्रश्नों के कुछ उत्तर थे, उसमें सूत्र भी थे कि उन उत्तरों को आप प्राप्त कर सकते हो सूत्रों के आधार। तो हनुमान जी की साधना से भी आपके वो केंद्र खुल सकते हैं जिससे आप भूत भविष्य में झांकने की क्षमता विकसित कर सको। हनुमान जी कभी नहीं बताते हैं आपके कि तुम्हारे कान में बताएंगे या तुम्हारे मानस में आके बताएंगे, वो नहीं बताते। किस प्रकार होता है इस विषय में कोई और वीडियो बनाएंगे और मैं वो मंदिर भी दिखलाऊंगा जहां पे हम लोग जाते थे, मैं कैसे करता था आराधना मैं वो बता देता हूं। सुबह से जाग के पहुंचो मंदिर, वही 7:30 के आसपास सुबह पहुंच जाता था मैं, और पहुंचने के बाद वहां पूजा अर्चना की और फिर इसके बाद थोड़ा सा बैठे इधर उधर घूमे, जब तक 9:30 नहीं बज गए जब तक कोई आराधना शुरू नहीं की। 9:30 के बाद एक बार चालीसा, एक बार सुंदरकांड, एक बार फिर दो बार चालीसा, फिर एक बार सुंदरकांड, फिर दो बार चालीसा, फिर एक बार, ऐसे 5 बार सुंदरकांड के पाठ करने होते थे। और ये मंगलवार को होते थे और शनिवार को। बात यह है प्रारब्ध किसी का एक झटके में नहीं बदलता है कि आपने एक कोई चीज कर ली आपका प्रारब्ध बदल गया। जीवन में बड़े संघर्ष है और ये संघर्ष कब खत्म होते हैं? संघर्ष पे संघर्ष नहीं रह जाता है जब शक्तियों की कृपा आपको मिलने लगती है। कई लोग ऐसे हैं कि निरंतर जाप करते रहते हैं लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। उसके भी कुछ कारण होते हैं, उन कारणों को समझना होता है। पहले चुकाना होता है, आप कर्ज लिए बैठे हो, इतना कर्ज है, इतनी साधनाएं आपने छोड़ी हुई है संकल्प ले लेकर, तो उन सभी का जो कर्ज है, जो दोष है, उस दोष को निपटाना होता है, चुकाना होता है।
और जब वो जुग जाता है तभी जीवन में फल प्रकट होते हैं और लाभ प्रकट होता है और जीवन में बदलाव आता है, नहीं तो तब तक जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है, घर्षण बराबर रहता है, द्वंद बराबर रहता है। तो जीवन में अगर बदलाव चाहिए तो एक वर्ष का सीधा अनुष्ठान कर लीजिए, संकल्प नहीं लेना है, सीधा मन में सोच लो। जो लोग योजना बना के कार्य नहीं करते हैं उन्हें दिक्कत की संभावना रहती है और दिक्कत का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि आप योजना बनाएंगे और योजना बनाने के बाद उस पर कार्य करेंगे। मैंने तो अपनी दूसरी चीज के लिए कोई संकल्प लिया था, लेकिन ध्येय एक था कि जय विद होए नाथ मोरा, जिस प्रकार से प्रभु मेरा कल्याण हो वही करिएगा। मैं कुछ भी सोचूं, मैं कुछ भी मांगू, मेरी मांग को दरकिनार करके मुझे वो प्राप्त कराइएगा जिससे मेरा कल्याण हो। ये गीत और है कि या मेरी मंजिल बता या जिंदगी को छीन ले, और जिसके पीछे गम लगे हो उस खुशी को छीन ले। तो जो भी कार्य करना है तो भगवान से प्रार्थना करके ये करिए कि जय विधि होए नाथ हित मोरा, जिस प्रकार से प्रभु हमारा कल्याण हो। जय विधि होए नाथ हित मोरा करिए सुबेग दास में दोरा, मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं प्रभु, और वो जल्दी से करिए जिसमें हमारा कल्याण हो। बस मैं कुछ भी मांगू, कोई भी मनोकामना हो वो एक तरफ कर दीजिए, मेरी जो मनोकामना होती थी वो अलग थी, और जो साधक आए हुए हैं कि नीचे मैंने अपनी चर्चा भी कर रखी है कि मैं क्या चाहता था, लेकिन जो मेरे लिए कल्याणकारी था वो मुझे मिला, मुझे ये क्षेत्र मिला, मैंने ये किया। फिर ऐसा ही मैंने वासा जी को कहा था, तो उन्होंने भी आराधना करी लगभग 5 वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक, और 2012 में वो जो है 2013 में वो सिद्धि प्रकट हुई जो उन्हें प्राप्त हुई। तो ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि पहले परिपक्वता चाहिए। भूत भविष्य देखने वाला व्यक्ति सहज नहीं होता है। हाँ, कोई चीज अलग है कि अगर आप एक ढक्कन कोई सिरप पी लो और एक हाथी की ताकत आ जाए, लेकिन वो स्थायी नहीं है, वो स्थायी नहीं है, 24 घंटे के बाद वो ताकत चली जानी है। तो ऐसी ताकत का क्या लाभ जो सिरप या कोई केमिकल या कुछ भी चीज पी कर उस ताकत को पैदा किया जाए, वो 24 घंटे बाद खत्म होती है। ताकत तो वो है जो समाहित हो जाए, ऐसी पावर मिल जाए कि जो समाहित हो जाए। तो जो जड़ है तो पहले जड़ पे काम करना होता है, पहले अपने आप को तैयार करना होता है। सातों चक्रों की साधना करिए और हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी की आराधना इसमें विशेष लाभ करिए। हर एक साधक ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको साधक जो हनुमान जी को छोड़कर सीधा प्राप्त कर गया हो, कुछ भी चीज नहीं कर पाया। और जो कर पाए हैं वो वही टॉनिक लिए हुए हैं, एक हाथी की ताकत आ गई उनमें, ये खत्म होगा। लेकिन खत्म किसका नहीं होता है, जिसने जड़ से काम किया है। बड़ा सहज सूत्र है ये, इसको आपको समझना होगा बस कि मैं क्या बताना चाहता हूं। और जो मैंने किया, और ये वासा जी की बात तो मैंने इसलिए अब पता नहीं बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने बता दी कि वासा जी ने 2007 से आराधना की थी 2012 तक, और मैंने 2002 से आराधना की थी 2007 तक, बाकी मैं 2012 तक भी की, 11 तक और की, लेकिन फिर वो नहीं था, मैंने 2007 तक की। 2007 के बाद वासा जी ने किया उसी तरीके से की जैसे कि मैंने, कभी आप लोगों की चर्चा हो तो वो बताएंगे इस विषय में। तो कहने का मतलब है परिपक्वता लाना, क्योंकि जो अष्ट सिद्धियां बाबा हनुमान के पास है वो उल्टे क्रम में साधक के ऊपर घटित होना शुरू हो जाती हैं। बाबा हनुमान की कृपा से जब उनकी शरण में साधक जाता है तो उल्टे क्रम में घटना शुरू हो जाती है। तो पहले मन की चंचलता, इंद्रियों को वश में करने वाली ताकत यानी आज्ञा चक्र जागृत होता है। द्वितीय जो सिद्धि है उल्टे क्रम में, वसित तो है, फिर ईशित तो है, सभी देवी देवताओं की जो देवी देवता है उनकी सिद्धियां उसे प्राप्त होना शुरू हो जाती है। प्रकार में है सिद्धि है शक्ति है, इस प्रकार से शक्ति नहीं प्राप्ति, इस प्रकार से उल्टे क्रम में साधक को ये जो है सिद्धियां स्वतः ही उसमें घटित होना शुरू हो जाती, प्राप्त नहीं होती, घटित होना शुरू हो जाती। तो बाबा हनुमान की साधना के बिना कोई भी आध्यात्मिकता में परिपक्वता नहीं ला सकता है।
तो परिपक्वता लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को तैयार करना होगा, और तैयार आप तभी हो सकते हैं जब आप सौम्य तत्व से तीक्ष्ण की तरफ बढ़ेंगे। सीधा शराब से हवन और रक्त से हवन करने से आप कोई तांत्रिक नहीं बन जाएंगे, क्योंकि पहले परिपक्वता चाहिए, और जब वो परिपक्वता आ जाती है तभी आप उसमें सफल हो पाते हैं। तो पहले अपने आप को तैयार करना होता है। तो बाबा हनुमान की आराधना करिए और उनकी साधना करिए, उनकी सेवा करिए, तो आप में स्वतः ही वो क्षमता, ये सिद्धियां नहीं है, ये क्षमता है, ये क्षमता प्रकट होना शुरू हो जाती है। कामेच्छा वासना के प्रति आसक्ति ज्यादा बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही है, इसको रोका नहीं जा सकता। रोक कब पाएंगे आप, जब उल्टे क्रम में वो सिद्धियां आप में घटित होना शुरू हो जाएंगी, जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा। आज्ञा चक्र जागृत होना कोई द्वार खुलना नहीं है, ना वहां से कोई आपकी एक नई दृष्टि प्रकट होनी है, नहीं। आज्ञा चक्र खुलने से आप आदेश दे सकते हैं अपने शरीर को, अपने जीवन को, अपनी धारा को, जीवन धारा को आदेश दे सकते हैं। अगर आपने एक बार प्रण कर लिया कि कल से भोजन नहीं करना है, तो फिर इच्छा भी नहीं होगी, तो फिर ये जो वासना है ये तो बात ही अलग है। क्योंकि जब आप आनंदित होते हो, पेट भरा हुआ होता है, वासना जब भी जन्म लेती है जब आप उमंग में होते हो, कोई भी दबाव नहीं होता है, कोई भी थकान नहीं होती, कोई भी टूटन नहीं होती है, तभी ये वासना बढ़ती है। और जब आप भूखे होते हो, 5 दिन के भूखे आदमी से कहिए कि वो वासना के का याद आ रहा है, उसे वासना के प्रति आसक्ति हो रही है, नहीं होगी, क्योंकि ये एक तरीके से ऊर्जा का संयोजन है जो वो फेंक रहा है, और वहां संयोजन है ही नहीं, कोई ऊर्जा ही नहीं है, उसका शरीर तो, उसका हाथ ही तो उसके कहने से उठ नहीं रहा है, वो क्या आसक्ति दिखाएगा वासना। तो बस ऐसे ही है कि ये इस तरीके से होता है कि जब आप आज्ञा चक्र, जब आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, तब आप अपने आप को आदेश दे सकते हैं। जबरदस्ती किसी चीज को बांधा नहीं जा सकता। अगर मन में चिंतन चल रहा है, मन में विचार चल रहे हैं, तो फिर वो जबरदस्ती वाली बात होगी, तो जबरदस्ती तो कुछ होता है। तो बस ऐसे ही है कि आप अगर करना चाहें, अगर आप भूत भविष्य में झांकना चाहते, कोई नहीं देगा ये कला आपको, ये कला पैदा करनी होगी। भूत भविष्य में अगर झांकना है तो इन सूत्रों के आधार पर चलिए, बाबा हनुमान की पैर पकड़ लीजिए, और बाबा हनुमान की पैर अगर आपने बिल्कुल समर्पण भाव से पकड़ ली तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 3 वर्ष। 3 वर्ष के पूर्ण समर्पण भाव से आपके अंदर ऐसी ऐसी चीजें प्रकट होना शुरू हो जाएंगी। अब देख भी तो रहे हैं आप क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि पहले आपको चरण शरण कर जोरे मनाओ, यही अवसर अब कई बो रहा हूं, ओठ ओठ चल तो राम दुआई, पांच परम कर जोर मनाई। तो बस इस तरीके से अगर आपने आराधना कर ली, तो निश्चित रूप से आप इस क्षेत्र में और सभी क्षेत्रों में सफल हो जाएंगे। अगर आप आध्यात्मिक और तांत्रिक क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं, तो सबसे बाबा हनुमान की शरण में जाइए, ये बेसिक है। यहां अगर नींव मजबूत हो गई आपकी, तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे, और कोई भी विघ्न आपकी इस यात्रा में नहीं पड़ेगा। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। आदेश, जय श्री महा।